नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में क्या अंतर है, किस काम के लिए 22 कैरेट लिया जाता है और किस काम के लिए 24 कैरेट सोना लिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस चैनल पर मैं जो है रोज़ सोना चांदी के भाव, डीजल पेट्रोल के भाव अपलोड करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर। तो अब जान लेते हैं दोस्तों 24 कैरेट सोना क्या है, इसका उपयोग कहां पर करते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं भी 24 कैरेट की बात हो रही तो आप ये समझ लीजिए सीधा सा कि उसमें जो है शुद्ध सोने की बात हो रही। आपको बता दें 24 कैरेट का मतलब होता है 99.9% जिसमें प्योर सोना हो उसको जो है 24 कैरेट कहा जाता है। आपको बता दें इसके जेवर बहुत कम बनते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लचीला होता है, और इसके जेवर मान लो आपने बनवा भी लिए, एक तो बनेंगे नहीं जल्दी, मान लो आपने बनवा भी लिए तो वो मान लो आप लेटे हो तो बहुत जल्दी वो मुड़ जाता है और एकदम वो दोबारा पहनने लायक नहीं रहता है। आपको बता दें दोस्तों 24 कैरेट सोना जो है वो बिस्किट आता है सीधा, मतलब 99.9% प्योर रहता है तो उसकी सीधी बिस्किट आती है। अब जान लेते 22 कैरेट सोना क्या है। दोस्तों बात करें 22 कैरेट की, जिसके हमारे गहने बने होते हैं, तो गहनों के लिहाज से 22 कैरेट सोना सबसे उपयुक्त तो होता है। आपको बता दें 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने से जो है शुद्धता के मामले में कम होता है। जहां 24 कैरेट में 99.9% सोने की मात्रा रहती है, वहीं 22 कैरेट में सिर्फ 91.6% जो है सोने की मात्रा रहती है, मतलब 8.3 जो है सोने की मात्रा 24 कैरेट के हिसाब से 22 कैरेट में कम रहती है। वो इसलिए कि इसमें जो है बाकी जो है कॉपर और जिंक जैसी धातुओं को मिलाया जाता है, इसी से जो है हमारा सोना मतलब हमारे जो जेवर रहते हैं वो लचीले नहीं होते हैं और पहनने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो यही दोनों अंतर है। अगर आप सोना बेचना खरीदना चाहते हो तो आप उसके लिए 24 कैरेट की बिस्किट लो क्योंकि वो शुद्ध होती है, और अगर आप जेवर बनवाते हो तो आप जो है 22 कैरेट के जेवर बनवाओ क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। यही है दोनों में अंतर।